आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ आएगी, देख तो नहीं सकते, यहाँ पे कुत्ता है, कुछ जानवर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भैया, सुबह नलतर वैली में आज सुबह सवेरे, और हमारे साथ हैं अवैस भाई। हमने आज स्टे किया रात का मेहमान रिसोर्ट में। फाइनली अब हमारा सफ़र स्टार्ट है और हम जा रहे हैं अभी नलतर वैली में लेक्स को एक्सप्लोर करने। हेलो, सलाम वालेकुम, कैसी हो? सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो भाई, नलतर वैली में भी हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लेक्स को, और लेक यहाँ पर 3 लेक्स हैं यहाँ पर, और एक का नाम सतरंगी लेक है, बाकी 2 छोटी छोटी लेक्स और हैं, और अराउंड कोई 3 घंटे की ट्रैकिंग है ये। मैंने अपना मेहमान रिजॉर्ट के अंदर अपना बैग वगैरह सब रख दिए, अपने छोटा बैग लिया एक, इसके अंदर अपना ड्रोन रख दिया, ड्रोन कैम, और बाकी बस निकले ट्रैकिंग के लिए। बहुत मज़ा आया, रात भी बहुत अच्छी गुजरी। ये थैंक यू शुएब भाई, थैंक यू अवैस भाई, थैंक यू मेहमान रिजॉर्ट। अभी जिस तरफ से मैं जा रहा हूँ सतरंगी लेक की तरफ, और इस तरफ से जो मुझे आती हुई गाड़ियाँ जो बहुत सारी मिल रही है ना, वही जो कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी दिखाई, तो यहाँ से बर्फ़ लेके जा रहे हैं गिलगित। तो यहाँ से सारी गाड़ियाँ भी जो जा रही हैं, जो जीप भी हो गई, ट्रैक्टर भी हो गए, वो सब बर्फ़ लेके जा रहे हैं, गिलगित में जाके बेचते हैं। तो ये एक प्लस साइन और पॉजिटिव साइन मेरे लिए इसलिए भी है क्योंकि मुझे कल वापसी पे जो करना होगा, हिच हाइक करनी होगी, उसमें फ़ायदा होगा नलतर से मैं नीचे गिलगित तक, हालांकि नीचे गिलगित नहीं, गिलगित उससे भी बहुत आगे है, लेकिन ये गाड़ियाँ गिलगित तक जाती हैं, तो नलतर से गिलगित तक मुझे यहाँ से इनसे फ़ायदा हो जाएगा हिच हाइक में इनमें। तो ये एक पॉजिटिव साइन है जो कि मैंने अभी पहले से थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि मैंने देखा, और मैंने अच्छा ऐसी चीज़ आपने ऑब्ज़र्व करनी चाहिए। अच्छा, इनकी टाइमिंग है, अगर आप देर से सो के उठेंगे और आप कहेंगे कि मैं 2 बजे निकलूँगा, तो 2 बजे नहीं, ये आते हैं सुबह ही सुबह, और तकरीबन कह लें कि मैक्सिमम 10 बजे तक यहाँ से सारी गाड़ियाँ जा चुकी होती हैं। तो इस चीज़ को भी मैंने मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी ही निकलना होगा, वरना ये गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं। अभी 2 लोकल लड़के मिले थे, उनसे मैंने पूछा, तो उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि सतरंगी यहाँ से आधा घंटे का ट्रैक और है बस, लेकिन अभी इस वक्त से तकरीबन कोई 20 मिनट पहले कुछ लोकल मज़दूर मिले थे काम करते हुए, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि 4 घंटे का ट्रैक और है। किस पे यकीन करें? किसी पे यकीन नहीं करना, ख़ुद पे यकीन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। अभी मेरा कुछ मुझे चलते हुए कितना टाइम हो गया है मैं देखूँ ज़रा, और कितना किलोमीटर हो गया है होटल से अपने रिजॉर्ट से, 3 किलोमीटर्स और 47 मिनट्स हुए हैं, 3 किलोमीटर 47 मिनट नॉन स्टॉप मैंने अभी ट्रैकिंग की है। तो चलते हैं, अभी दिखाते हैं। अच्छा, इस सामने ही जगह आ गई, यहाँ इतनी बर्फ़ पड़ी हुई है, और यहीं से सारे ट्रक्स तो नहीं, जीप और ट्रैक्टर जो लोड कर रहे हैं बर्फ़, बिल्कुल सामने ही है। ठीक ठाक, शुक्र लगा। आगे का रास्ता कहाँ से? सतरंगी वाला, सतरंगी वाला ये लेकिन बर्फ ही बर्फ़।
फुल बर्फ और थोड़ी सी स्लाइडिंग वाली बर्फ आ गई है, वही वहाँ से पिक कर रहे हैं। और बाकी इनके मुताबिक तो आगे बर्फ़ नहीं मिलनी, मतलब कि बर्फ़ का ऐसा पहाड़ नहीं है जिसको क्रॉस करके सतरंगी जाया जाए। तो हो सकता है, कह रहे हैं कि थोड़ी सी स्लाइडिंग वाली बर्फ़ ही आपको मिले। तो बहुत शुक्रिया। आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस फॉर हिच हाइकिंग बताऊं, वो ये कि नेवर स्पीक लाई, कि कभी भी ना, कभी भी जो आपको मिले उसको हमेशा सच बताओ। आप क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, कितने दिन हो गए, और झूठ नहीं बोलो। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा दूसरे के तीसरा, फिर ना वो बंदा एक्चुअली पकड़ा जाता है, समझ आता है, वो अगले बंदे को ना थोड़ा सस्पिशियस लगेगा बंदा। जो है सच बोलो, सच बताओ, डायरेक्ट बताओ। और कोशिश करो कि अपने जब भी आपको आप हिचहाइकिंग करें तो अपनी कोई एक प्रोफाइल मेंटेन रखें, या अपने पास फोटोग्राफ्स या फिर वीडियोज़ वगैरह बनाते हुए चलें, ताकि अगर कहीं एक इशू होता भी है तो आप वो दिखा के लोगों को, उस बंदे को बता सकें जो कि आपको थोड़ा सस्पिशियस समझ रहा हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हिचहाइकिंग के लिए, क्योंकि अभी तक मुझे इतना खास तो नहीं हुआ, लेकिन एक आध जगह पे हुआ था जहाँ पे मैंने अपनी वीडियोज़ दिखाई तो फिर उनको एतबार आया, हाँ भाई यार ये ऐसा कर रहा है और ऐसा भी हो सकता है। तो कभी झूठ नहीं बोलें। अब यहाँ से अब हमारा रास्ता पैदल शुरू होगा। एक जगह पे हमें ट्रैक्टर मिल गया था और अच्छा खासा रास्ता तो कैक तय करवा दिया है। सतरंगी सतरंगी की तलाश। ये जो ट्रैक्टर ने मुझे रास्ता तय करवाया है ना, मैं कहूँ कि इस वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे टफ ऑफ रोडिंग थी, ये सबसे टफ ऑफ रोडिंग थी। और मैं जिस जगह बैठा हुआ था, पूरे हाथ मैंने इधर, मुझे बहुत बहुत ज़ोर से उंगली पे लग गई। ओह, लेकिन क्या करें, रास्ता ही ऐसा था, इतने बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर चलते हुए लिटरली ट्रैक्टर उछल रहा था, जंप खा रहा था। ओह, लेकिन करवाया तो है उसने, अच्छा खासा रास्ता तय करवा दिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी एक घंटे डेढ़ घंटे की ट्रैकिंग उसने मुझे करवा दिए तय 20 मिनट में। हाँ, 7.5 किलोमीटर तय कर लिया मैंने रास्ता, और तकरीबन ढाई घंटे हो गए मुझे। पता नहीं अल्लाह जाने कितना दूर हो रहा होगा ये सतरंगी लेक और ये पॉइंट हमारा। अभी पीछे एक बंदा मिला था, चरवाहा था, तो उससे पूछा, वो मुझे कह रहा है कि स्टिल अभी एक घंटा है, मतलब 10 मिनट पहले मुझे मिला तो उसने कहा कि स्टिल अभी एक घंटा दूर है। उसने एक पहाड़ दिखाया, उसने कहा उसके नीचे है वो लेक। ओह, ये देखें, अभी मैं जंगल पे जंगल ख़त्म ही हो रहा है जंगल। माशाल्लाह जगह बहुत प्यारी है। ओह, लेकिन सतरंगी लेक पहुँचना है। नहीं होगा पानी आपके पास? नहीं। वो देखना, ये वाली पहाड़ी, इस पहाड़ी के नीचे है सतरंगी, और ऐसा लग रहा है कि बारी बिल्कुल पास है। आपको दिखाते हैं, ये पहाड़ी का रास्ता फिर घूम गया है।
यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा फिर से। आखिरकार मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूँ। एक तो यहाँ तो ना बंदा ना बंदे की ज़ात, आगे वो गधे पे दो बंदे जा रहे थे, एक बच्चा और एक अंकल, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मुझसे इतनी तेज़ स्पीड में थे, मुझे समझ नहीं आ रहा शायद यही रास्ता आगे जा रहा होगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं, कहीं तो जाना है। अच्छा तो भाई यहाँ पर एक पुल था और यहाँ पर दरिया बह रहा, मैं दरिया के उस पार चले गया था, लेकिन बहुत दूर से मुझे वो बंदे जो अंकल और उनका बेटा जो गधे पर सामान रख के लेके जा रहे थे वो दरिया की इस तरफ दिखे और मैं दरिया की इस तरफ आ गया। और अंकल के मुताबिक जो पहाड़ था वो ये वाला पहाड़ था, यहाँ पे ये पहाड़ भी है, तो मैं इस पहाड़ के नीचे उन्होंने कहा था। तो अब दरिया भी यहीं से बहता हुआ आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है लेक से ही दरिया निकलता हुआ आ रहा होगा। तो मैं इस तरफ आ गया और इस तरफ फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ घने जंगल है दूसरी तरफ इस तरफ। अब मैं एक ही काम कर सकता हूँ, अपना ड्रोन फ्लाई करता हूँ और यहाँ से आके देख लेता हूँ क्या इधर सतरंगी लेक है या नहीं है, क्योंकि स्टिल मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं मैदानों में जंगलों में दरियाओं को पार करते करते आगे चले ही जा रहा हूँ। ओह, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, ना ही कोई इंडिकेशन दी हुई है कोई गाइडलाइन टाइप की। तो अब मेरा ड्रोन ही सहारा बनेगा। ड्रोन फ्लाई करते हैं और देखते हैं आगे कि सतरंगी लेक है, किस तरफ है और कितनी दूर है। बात कुछ ऐसी है कि अभी ड्रोन फ्लाई करके मैंने चेक किया, मुझे आगे उस पहाड़ तक कुछ भी नहीं दिख रहा सिवाय बर्फ़ के नीचे। अब वो सतरंगी लेक पता नहीं कहाँ तक है, क्या है, और मुझे मेरा प्लान थोड़ा सा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा भी नहीं है। और मैं आगे चले जाऊँ पर पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। और गूगल मैप पर मुझे वो नहीं मिल रही। अगर गूगल मैप पे मुझे मिल जाती तो मेरे पास डायरेक्शन होती, मैं उसको देखते हुए चले जाता, मसला ये है। तो प्लान कुछ ऐसा है कि अभी ड्रोन फ्लाई करके तो चेक कर लिया था, नहीं मिला, अब तो हम वापसी का रास्ता नापते हैं, क्योंकि इस वक्त अभी 3.5 घंटे हो गए मुझे हाइक करते हुए 3.5 घंटे हो गए और अभी तक मुझे सतरंगी लेक नहीं मिली। नज़ारे माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, चलें फिर से इंजॉय करते हुए जाते हैं वापसी। लेकिन सतरंगी लेक नहीं मिली फ़िलहाल। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना ऐसा लग रहा है कि मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में जो बंदे मिले थे उन्होंने कहा था कि ये सीधा रोड जा रहा है। फिर मैं उस शख्स के पीछे जो कि गधा लेके जा रहा था सामान वामान रख के, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा, वो जंगल के अंदर से निकल गया और मैंने रोड छोड़ दिया। तो यहाँ पे एक पुल आया है और उसके साथ अगेन रोड जा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं अब इस पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने कहा था कि सीधा रोड, बस रोड सीधा सीधा जाएगा तो सतरंगी पे। तो ये पुल आया है यहाँ पर, मैं इससे जंगल के अंदर आ गया था इस रास्ते से और उनको पीछा करते करते फिर मैं आगे अंदर चले गया था इस रास्ते से। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ से इधर से मैं आया था इस पुल से मैं जाता हूँ और आई होप कि ये ही वो रास्ता है जो सीधा जा रहा होगा सतरंगी को। तो देखते हैं, अल्लाह करे पहुँच जाए सतरंगी पे, क्योंकि इतनी ट्रैकिंग की है सिर्फ इसी के लिए की है। हाइकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्टाफ। हाँ,
एक आपके पास ट्रिक ऐसी हो जो आपका सहारा बन सके। मुझे अभी तक मिल नहीं रही थी, इत्तेफाक से रास्ते में मिली है, तो आई होप कि ये मुझे बहुत हेल्प करेगी। अल्लाह जाने ये रास्ता कहाँ जा रहा है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा। अब फाइनली क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, अब यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें 6 बजे तक मैक्सिमम अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी, और इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, और वापसी मैंने इतना ही सफ़र तय भी करना है वापसी का। तो अब भला इसी में कि वापसी निकल लिया जाए, सतरंगी लेक के पता नहीं कितने पास आए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ना इधर बंदा ना बंदे की ज़ात, गूगल मैप पे भी ये दरिया का पानी साथ साथ चले जा रहा है। अब पता नहीं इसमें कौन सी वाली जगह सतरंगी लेक होगी, क्या है कुछ आइडिया नहीं है। ओह आप देख सकते हैं, आपको आवाज़ आएगी, देख तो नहीं सकते, यहाँ पे कुत्ता है, कुछ जानवर हैं, उनकी रखवाली कर रहा है, उसने मुझे देखा और भौंकना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इंसान भी है, लेकिन दिख रहा क्यों नहीं है कोई भी यार। अल्लाह के बंदो दिख जाओ। आप देख सकते हैं कि ये फुल मुझ पर चढ़ने वाला फुल हमला करने वाला था ये, हालांकि मैं इससे बहुत दूर था। हाँ हुआ ये कि ये एकदम मेरे पीछे आ गया, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। मैं इसको बहुत दूर से देख रहा था, ये बहुत दूर था। अच्छा आपको बताता चलूँ, क्योंकि मुझे एनिमल्स का बहुत शौक है और मैंने डॉग्स को इतना डरता तो नहीं। आपको करना यही होता है, कभी भी अगर आपके पीछे कोई डॉग वगैरह इस तरह का आपका चढ़ है ना, तो आपने सबसे ज़्यादा रखना होता है अपने आप को कॉन्फिडेंट, और जिस किस्म की वो आवाज़ लगा रहे हैं, जिस किस्म का वो चीख रहे हैं, आपको उससे कई गुना ज़्यादा चीखना पड़ता है। इवन कि पत्थर और डंडी और लकड़ी ये वैसे असर नहीं करती, आपको करना यही पड़ेगा कि आपको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा कि आप उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इसी ट्रिक को मैंने आजमाया, उससे ज़्यादा चीखने पर उसको समझ आया, और अगेन वही बात है, पीट करके कभी आप नहीं चलें, आप पीछे इसको देख के अपना चेहरा इसकी तरफ करके चलें तो अच्छा रहेगा, आप पता रहेगा कि कभी हमला करने वाला आपके हो। तो खैर था तो फुल खूनख्वार, फुल हमला करने वाला था, लेकिन बचत हो गई। हाँ ये पीछे अभी एक ट्रैक्टर गुजरा यहाँ से, और मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा यार मुझे सतरंगी लेक नहीं मिली भाई, मैं बहुत आगे तक गया, तो उन्होंने बताया कि वो जहाँ जिस लोकेशन में मैं पहुँचा था पुल से उल्टे हाथ पे, एक तो पहले मैं सीधे हाथ पे उल्टा गया, मतलब कि आप समझ लें कि मैं 1 किलोमीटर जंगल के अंदर उल्टा गया, फिर वापसी आया जहाँ पर मैंने ड्रोन उड़ाया, फिर दूसरी तरफ गया, बोले कि वहाँ से भी तकरीबन अगर आप ट्रैकिंग करेंगे तो घंटे का रास्ता है। तो जो दोस्त आगे पीछे मिले थे उन्होंने कहा 1/2 घंटा, उससे पहले मिले थे उन्होंने कहा 1.5 घंटा, और सबसे पहले जो मिले थे उन्होंने कहा 6 घंटे, वो 5-6 घंटे उन्होंने बहुत बेस्ट बोला था, बहुत अच्छा बोला था, सही बताया था उन्होंने।
तो सतरंगी लेक वाकई बहुत दूर है ट्रैकिंग के लिहाज से। जिस चीज़ का अफसोस था वही हुआ, अभी बीच में एक दो लोकल्स मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि जहाँ तक मैं पहुँचा था पुल क्रॉस करके आगे एक पूरी एक मतलब कि प्लेन एरिया आया था, उसके आगे फिर जंगल, उस जंगल के ख़त्म होते ही आगे एक थोड़ा सा प्लेन एरिया आता है और साथ ही वही झील शुरू हो जाती है। तो मतलब हार्डली अगर मैं झील से करीब था तो 25 मिनट की और वॉक थी, 25 से 30 मिनट की और मैं झील तक पहुंच जाता है। हाई मेजर्ड, अब देखते हैं, वही होता ना कि आप चलते 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 बिल्कुल जस्ट क्लोज जाके फिर उसको गिव अप कर देते हैं। मैंने गिव अप इसलिए किया था कि मुझे रास्ता पता ही नहीं था, तो बाकी अब कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं।